चीपाबड़ोर रविवार को कस्बे के युवा रफीक खान ने यूक्रेन से कस्बे में सैकुशल लौटने पर सामाजिक संस्था ह्यूमैनिटी सोसाइटी समेत कस्बे वासियों का जगह जगह स्वागत किया और कस्बे में ढोल चौराहे से ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई। रफीक खान ने बताया कि रविवार को कस्बे में पहुंचने पर ह्यूमैनिटी सोसाइटी समेत कस्बे वासियों ने भव्य स्वागत किया, साथ ही ढोलम चौराहे से सत्ती मोहल्ले तक ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई, जिसमें कस्बे वासियों ने जगह जगह फूल की माला की बरसात के साथ ही। बता दें राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदर्श नगर विधायक रफीक खान के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हसन खान के द्वारा छात्र की रफीक खान से फोन पर बात कराई गई, जिस पर खान के द्वारा छात्र को घर पहुंचने की मुबारकबाद दी गई, भविष्य की कामना की गई। खान के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विश्वास रखने को कहा गया और जल्द ही उचित निर्णय लेने की बात भी कही गई। इस मौके पर उप सरपंच प्रतिनिधि यूसुफ खान, छबड़ा नगर पालिका पार्षद हसन खान, आदिल सलगाजी समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही। बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे इतने प्यारे भाई मुझे जब से याद कर रहे थे बहुत टाइम से, इन्होंने मेरे बहुत दुआ करी ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। लास्ट टाइम मेरे हसन भाई पार्षद, मेरे राजर प्रेसिडेंट साहिद भाई, बहुत सारे मेम्बर साहब यूसुफ भाई वार्ड पर, सबने बहुत अच्छा जो करा, हमारे जो रफीक खान साहब बहुत सहयोग करा, मुझे आने पर उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर भेजा ताकि जल्द से जल्द मैं यहाँ आ सकूँ। खबर देवली से है, जहाँ टोंक जिले के देवली में रविवार को ज्योति कॉलोनी से स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने भजनों की धुन पर जमकर डांस किया, तो वहीं इस मौके पर शिव पंचायत की झांकी सजाई गई, साथ ही राधा कृष्ण के रूप में छोटे छोटे बच्चों को भी सजाया गया। इस दौरान महिलाओं ने सांवरिया, गिरधारी, आपा, होली खेला जैसे तमाम भजनों पर थिरकते नजर आए। इस दौरान महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य भी किया, तो वहीं महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा भी की। इसके बाद आरती कर प्रसादी भी वितरित की। खबर राजस्थान के बारा के छिपाबड़ोस से है, जहां कस्बे के खेल मैदान में जय हिंद क्लब की ओर से प्रेम सिंह सिंघवी की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका दूसरा दिन रोचक रहा। फुटबॉल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि विधायक अनुज महाराज सिंह सिंघवी रहे, तो वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में क्लब अध्यक्ष ओम प्रकाश बाटला और कोषाध्यक्ष ललित किशोर राठौड़, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक जगदेश प्रसाद भी मौजूद रहे। तो वहीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के होने के चलते फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से DFA अध्यक्ष निर्मल मथुरी और DFA सचिव अब्दुल अजीज ने भी प्रतियोगिता में अवलोकन किया। वहीं प्रतियोगिता की जानकारी ली तो बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता फुटबॉल एसोसिएशन के नियमानुसार चल रही है, जहां जय हिंद क्लब के अध्यक्ष ओम प्रकाश बाटला पीयूष जैन के द्वारा अतिथिगणों का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता का मंच का संचालन जगदीश प्रसाद के द्वारा किया गया। इस दौरान टीकम चंद कावरिया, राष्ट्रीय खिलाड़ी टिंकल, प्रदीप खाड़ा, बारा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। प्रेम सिंह सिंघवी की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय सिल्वर का फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्रथम मैच जय हिंद क्लब जूनियर व बीकानेर के मध्य खेला गया, जिसमें बीकानेर 5-0 विजय रही, तो दूसरे में जयपुर भिलवाड़ा के बीच खेला गया जिसमें 1-0 से विजय रही, तो तीसरे में छिपाबड़ोत व बारा के बीच खेला गया जिसमें छिपाबड़ोत 3-2 से विजय रही। बता दें मेथी के दौरान गोल करने वाले खिलाड़ियों को खेल प्रेमियों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, तो वहीं प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे क्लब के वरिष्ठ सदस्य आशीष अजमेरा, गोकुल प्रसाद समेत तमाम लोगों को मौजूदगी रही। खबर राजस्थान के बारा के छिपाबड़ोत से है, जहां कस्बे के 3 झमलियों की गली के आम रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 1 और 20 के लोगों ने वार्ड पंच महावीर कुशवाहा, वार्ड पंच हरिशंकर कुशवाहा व पंचायत समिति डायरेक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा समेत वार्ड पंच रोहित अदलखा के नेतृत्व में 3 इमली वाली गली के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाकर चौड़ा करवाने के क्रम में उपखंड अधिकारी जनक सिंह को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने बताया कि इस गली में आम रास्ते पर अतिक्रमण होने के चलते आवागमन, बरसात में कीचड़ जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है। कस्बा छिपाबड़ोत खेल मैदान के सामने 3 इमली की गली का आम रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और वर्तमान में लगभग 12 से 15 फीट चौड़ा होना बताया जा रहा है, जबकि उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 40 से 50 फुट चौड़ा दर्ज है। आम रास्ते पर अतिक्रमण हो रहा है, जिसके चलते उसे मुक्त कराने की आवश्यकता है, क्योंकि उक्त रास्ता आगे चलकर 20 से 25 फीट चौड़ाई में इंटरलॉकिंग से ग्राम पंचायत के द्वारा तामीर करवा दिया जाता है, परंतु उक्त रास्ते के मुख्य सड़क से आगे जाते लगभग 50 फुट में दोनों साइड से अतिक्रमण हो रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और इसी को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है। टोंक जिले के सबसे बड़े मां भद्रकाली के मंदिर में यज्ञ का आयोजन निवाई उपखंड क्षेत्र के नोहटा ग्राम कांटोली में 2 अप्रैल से 9 कुंडीय मां भद्रकाली यज्ञ मां भद्रकाली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर विशाल भंडारे में हजारों भक्त प्रसादी ग्रहण करें। मां भद्रकाली यज्ञ को लेकर
ध्वज पूजन का आयोजन होगा। ध्वज पूजन संत श्री राम जी महाराज कमरानंद जी महाराज के नेतृत्व में विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न। माँ भद्रकाली के यज्ञ में विश्व प्रसिद्ध कथावाचको विष्णु शरण मथुरा वृंदावन के सानिध्य में वाचन किया गया। पश्चिम बंगाल तेलंगाना उड़ीसा बनारस से प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। बता दें कांटोली आश्रम श्री राम जी महाराज ने बताया कि 70 साल बाद माँ क्षेत्र में माँ भद्रकाली के विशेष 9 कुंडीय यज्ञ का शुभारंभ 2 अप्रैल से होने वाला है। 9 कुंडीय यज्ञ को लेकर रूपरेखा व जिम्मेदारी को लेकर चर्चा की गई है। भक्तों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं जिले का सबसे बड़ा माँ भद्रकाली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर भी चर्चा है और इस मौके पर ग्रामीण भक्त भी काफी संख्या में मौजूद थे। बता दें संत श्री राम जी महाराज ने माँ भद्रकाली आश्रम पर अब तक 3000 से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशा मुक्त करके समाज में विशेष जागरूकता का अभियान चलाया था, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी इस काम को लेकर सराहना की जाती है। 2 अप्रैल से जो माँ भद्रकाली का महायज्ञ होगा उसकी ध्वज स्थापना आज हो चुकी है। इस यज्ञ में संपूर्ण गांव के आसपास के व्यक्ति मेरा सहयोग कर रहे हैं। यह यज्ञ पूरे भारतवर्ष में यादगार बनेगा। यह यज्ञ जन कल्याण व समाज में नशा को बंद है के लिए करवाया जा रहा है। इस यज्ञ में मेरे कुछ विशेष भक्त है, वो मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे प्रभु बाडोलिया है टोंक से, राजकुमार मीणा है, उसने 51,000 का अनुदान दिया है। यज्ञ सिर्फ जन कल्याणकारी के लिए करवाया जाता है। ये सदियों से होता आ रहा है, संत महात्मा यज्ञ करवाते हैं उसी प्रकार से ये यज्ञ है। लेकिन ये यज्ञ वर्षों तक यादगार बनेगा। खबर सूरतगढ़ से है, जहां सूरतगढ़ में महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ के द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां दूसरे दिन भी लगातार शिविर जारी रहा, जिसमें दूसरे दिन कुल 116 रोगियों का पंजीयन हुआ, जिसमें से 85 रोगी ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए। भर्ती रोगियों के ऑपरेशन सोमवार शाम से आरंभ किया जाएगा, जो कि मंगलवार को भी जारी रहेंगे। परियोजना निदेशक वीर रमेश तिवारी और ओम प्रकाश कारगलवाल के अनुसार ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन अरुणवंश सभा के अध्यक्ष दीपक भाटिया ने रिबन काटकर किया। सीकर से पधारे शल्य चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश चेचू ऑपरेशन कर रहे हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश चेचू लगातार तीसरे कैंप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी सोहनलाल ढाका ने बताया कि सोमवार को भर्ती रोगियों की विभिन्न जांच की गई, जिसमें जनता रोग निदान केंद्र के संचालक परमानंद शर्मा की टीम के आदित्य डूडी और गुरप्रीत सिंह ने रक्त की विभिन्न तरह की निशुल्क जांच की। शिविर प्रभारी राजेश कनवाडिया के अनुसार इस शिविर में श्रीनगर से पधारे डॉक्टर सुरेश डांडिया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह राठौर, डॉक्टर निशांत स्वामी, नर्सिंग स्टाफ कुलविंदर कौर और सुनीला ने भी अपनी स्वैच्छिक सेवा प्रदान की। संस्था अध्यक्ष वीर दिलीप मिश्रा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के रोवर शिवरण कुमार, दीपक विक्रम, सुखदेव सिंह, बंटी सिंह समेत तमाम रोगियों की सेवा भी जुटी रही।